And what about that gentleman jinhone tumhe adopt kiya aur maa ki tarah pala? I love that man. He's great. Diva, tumhe pata hai jab main unhe daddy keh ke bulata hu na to mujhe yun lagta hai jaise dil mein main unhe mummy keh ke bula raha hu. Kabhi kabhi main sochta hu ki agar wo mujhe adopt na karte to main kya hota? Jungle boy? Mowgli? या टार्जन? अब तुम मोगली या टार्जन होते ना तो मैं तुम्हारी कभी भी फ्रेंड नहीं बनती. कहाँ जाऊं, कहीं छुप जाऊं, पता नहीं इस मुल्क में छुपने की कोई जगह है भी कि नहीं. पाकिस्तान लौट जाऊं बस किसी भी तरह. मेरे पास तो वापसी का टिकट भी नहीं है. मैं तो सारी कश्तियां जला कर आई लेकिन लेकिन क्या अब्बा का दिल मेरी वापसी को सह सकेगा? नहीं, दरवाजे पर ही उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा और अम्मी अम्मी तो पागल हो जाएंगी. सारा जमाना मजाक उड़ाएगा ना. फिर क्या करूं मैं? इस शख्स के घर वापस लौट जाऊं? नहीं, वो शख्स लगता क्या है मेरा शोहर? जिंदगी भर का साथी, दुख सुख का साथी. क्या क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? क्यों क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? क्यों? क्या करूं क्या करूं? शख्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूं लेकिन इंसानी कब है? वो तो मसीहा के अंदर छुपा हुआ दरिंदा है. वो तो मुझे नोच खाएगा. कतरा कतरा जीने की ख्वाहिश में कतरा कतरा मरती रहूंगी उसके पास. नहीं, अपा के लिए मौत का पैगाम बन जाऊं फिर अम्मी का घर उजाड़ दूं? इससे तो अच्छा है ये कतरा कतरा मौत. शायद शायद इस शख्स के अंदर कहीं कहीं भी इंसान छुपा हो. शायद 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 मोहब्बत से वो पिघल जाए. बस तुम इतनी सी देर के लिए मुझे मिलने आई थी? आई तो मैं अपनी असाइनमेंट के सिलसिले में थी, सोचा तुमसे भी मिलती जाऊं. असाइनमेंट बहाना भी तो हो सकता है. मैं बहाने नहीं बनाती. वो बात भी तो नहीं कहती हो जो मैं सुनना चाहती. वो बात फिर कभी सही. आज क्यों नहीं? आज मेरे पास टाइम नहीं है और न्यूयॉर्क पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत देर हो जाएगी. तो रात रुक जाओ. एक्सक्यूज मी मिस्टर फर्डिनेंड, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ईस्टर्न लड़कियां रात अपने घर में गुजारती हैं. व्हाट अ स्टूपिड लिटिल फूल. आई कांट अंडरस्टैंड योर ट्रेडिशन रियली. दिस इज नॉट अ ट्रेडिशन. आई मीन यू नो एक जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं. दीपा, अजीबोगरीब उसूल हैं तुम्हारी जिंदगी में. एक तरफ तो तुम इतने बड़े शहर न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अकेली पढ़ती हो रहती हो और दूसरी तरफ तो मैं एक दूसरे शहर में एक रात नहीं रुक सकती हो. इसलिए कि मैं कह रहा हूं दीपा, तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे जैसे कोई मुकद्दस चीज होती है. अगर तुम रात रुकोगी तो बैठेंगे बातें करेंगे. रिलैक्स फरीदोन, आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन. हम जितना मिलते हैं ना उतना ही ठीक है. जिस तरह जानवरों का जंगल होता है ना उस तरह इंसान के अंदर भी इमोशंस का जंगल होता है. इंसान इसलिए सुपीरियर होता है क्योंकि वो जंगल में भी जानवरों की तरह खुला नहीं फिरता, अपनी हदें मुकर्रर करता है. Thank you.
हेल्प यू। क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि स्प्रिंगफील्ड का इलाका कहाँ है? देखिए वो तो बहुत दूर है यहाँ से, आप पैदल ही जा सकेंगी। अगर आप चाहती हैं तो हम लोग आपको ड्रॉप कर देते हैं। जी जी प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू। Are you angry? I think so. फिर ये कि तुम वो बात कह दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। कौन सी बात? यही कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। मेरा दिल ये चाहता है दीबा कि तुम भी मुझे चाहो, मैं तुम्हारी जरूरत बन जाऊं, ऐसी जरूरत जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पता नहीं मेरे अंदर चाहे जाने की ख्वाहिश इतनी शदीद क्यों है। इस वक्त कोई और भी हमारे साथ है फरीदून। सो व्हाट, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। प्लीज फरीदून थोड़ी देर के लिए टॉपिक छोड़ दो। ओके, थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। आपको हाउस नंबर मालूम है? जी 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 हाँ। आई श्योर A40 होगा। होगा मतलब? आप शायद डॉक्टर अनीस के घर जाना चाहती हैं। जी जी। यही घर है? जी यही घर है। थैंक यू वेरी मच। डोंट मेंशन। टेक केयर। अब शायद मैं भी शक्ल से पाकिस्तानी लगने लगा हूँ। ये लड़की मुझे देखते ही उर्दू बोलने लगी। रेस्टोरेंट में जब मैं तुमसे फोन पे लड़ी थी ना, तो ये साथ वाली टेबल पे बैठ के रो रही थी। अच्छा? हम एशियंस का इतनी जल्दी दिल नहीं लगता अमेरिका में। और अगर कोई दिल लगाने वाला मिल जाए तो? चलते हैं, तुम्हें न्यूयॉर्क जाने के लिए देर हो रही। कहाँ थी तुम? कहाँ से आ रही हो इस वक्त? अंदर आओ। और किसको जानती हो तुम? किस किस को जानती हो? जब इतना सोच रहा था कि इतनी आसानी से कैसे तुम्हें रजामंदी दे दी यहाँ आने की, बिना मुझे देखे बिना मुझे पहचाने। कौन है वो? लौट कर आती इस घर में? जब कोई नहीं होता
तभी इंसान आ गया पानी के समंदर में कूद पड़ता है। मेरे पास दो ही रास्ते हैं अनीस, एक तो ये कि कानूनी और इखलाकी तौर पर बड़ा हक है मेरा आप पर, इस घर पर, इस घर की हर चीज पर, और अपना यह हक इस्तेमाल करने का हक भी रखती हूं। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं अपने इस हक से दस्तबरदार हो जाऊं और तलाक ले लूं। शायद आप ये चाहते हैं। What do you mean? कहना क्या चाहती हो तुम? कहना तो मैं कुछ और ही चाहती हूं, लेकिन पता नहीं आप सुनना चाहेंगे कि नहीं। अगर सुनना चाहते हैं तो बैठिए यहां।